जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सर्वप्रथम प्रतिशत का सवाल बनाने से पहले हम प्रतिशत के परिभाषा को जानते हैं। चलिए प्रतिशत का परिभाषा लिखते हैं। प्रतिशत प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी प्रतिशत अगर निकालना हो किसी भी चीज का तो उसके हर में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। आइए हम कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। 80 का अगर 20% निकालना हो मित्र, अगर 80 का 20% निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे। चलिए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 और का जगह पे हम गुना का चिन्ह देंगे। चलिए मित्र इनको बनाते हैं। 80 का के जगह पे गुना का चिन्ह, 20 बटा में 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 से भागा देते हैं। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 8 गुना कितना हुआ, 16 हुआ, यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। आइए मित्र दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमको 100 का 30% बोलेगा निकालने के लिए, तो मित्र सेम उसी तरह से करेंगे जो पहले वाले सवाल में जिस तरह से हम किए उसी तरह से सेम करेंगे। चलिए 100 का 30% निकालते हैं। 100 का हम जानते हैं कि का के जगह पे गुना का चिन्ह देना है, तो गुना का चिन्ह देंगे और 30 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। चलिए मित्र उनको देखते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 30 बचा, यही हमारा आंसर हुआ। यानी कि 100 का अगर 30% निकाला हो तो सेम इसी तरह से फॉलो हम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमको 200 का 60% निकालना है मित्र, सेम करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम जिस तरह से बनाए सेम। हम जानते ही हैं कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। आइए मित्र देखते हैं, 200 का के जगह पे गुना का चिन्ह देंगे और 60 / 100 भागा देंगे 100 से। आइए मित्र देखते हैं, यहाँ 20 यहाँ 20 यानी कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, 60 × 120, यही हमारा आंसर हुआ 3 नंबर क्वेश्चन का। आइए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 200 का 5/2%, तो मित्र जो अभी हम सवाल बनाए उनसे कुछ भिन्न है यह, तो हमको कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं। आइए इनका भी रूल हम आसानी तरीका से बताते हैं, तो आइए आप गौर से देखिएगा। देखिए 200 का तो 200 देंगे, का के जगह पर हमको क्या देना है, गुना का चिन्ह, और 5/2 हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भागा देना। मित्र देखिए 100 से हम भागा देते हैं। आइए मित्र हम देखते हैं 200 × 5/2, और जब भी हम भिन्न का भागा बनाते हैं तो गुना के रूप में देते हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाले नीचे की ओर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, 100 ऊपर 100 नीचे, इनको काटते हैं, 20 × 5 = 100, 0 0 कैंसिल, 2 × 20, 2 × 5 = 10, यानी कि इसका 5 आंसर निकल कर आ गया। आई होप कि मित्र आप प्रतिशत के बारे में जान गए होंगे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो इनको सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।